तो देखो भाई लोग, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 इस मूवी का। अब देखो, इस मूवी को पहली बार मैंने तब देखा था जब ये मूवी रिलीज हुई थी, एंड उसके बाद कल रात में मैंने इस मूवी को दोबारा देखा। सो मेरे क्या थॉट्स हैं इस मूवी को लेकर, वही मैं बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सब लोगों ने इस मूवी को देख लिया होगा, तो इसीलिए स्पॉइलर वगैरह का कोई टेंशन तो होगा नहीं। तो इसीलिए अब सीधा रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की तरह जैसे मैं रिव्यू करता हूँ वैसे ही करूँगा, मतलब वही हम लोग मूवी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग पॉइंट, टाइगर श्रॉफ। अब देखो, नो डाउट अगर टाइगर श्रॉफ इस मूवी में नहीं होते तो शायद मैं इस मूवी को देखता भी नहीं। जैसे कि मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पहला पार्ट नहीं देखा है, लेकिन जब इसके सेकंड पार्ट में टाइगर श्रॉफ को कास्ट किया गया तब मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी सी बढ़ गई थी, क्योंकि टाइगर श्रॉफ मेरे फेवरेट है, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं उनकी मूवीज को लेकर एक्साइटेड रहता हूं। एंड जब मैंने इस मूवी को पहली बार देखा था तो मैंने इसीलिए देखा था क्योंकि इस मूवी में टाइगर श्रॉफ थे। लेकिन कल जब मैंने इस मूवी को दोबारा देखा तब ये मूवी मुझे उस लेवल पे अच्छी नहीं लगी। लेकिन बात कर लेते हैं टाइगर श्रॉफ के बारे में। तो देखो, टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है, पर ठीक ठाक बोल सकते हैं। मतलब एक्टिंग में मुझे टाइगर श्रॉफ ठीक ठाक ही लगते हैं। लेकिन जिस वजह से टाइगर श्रॉफ की बात होती है उसकी बात कर लेते हैं, इस मूवी का एक्शन एंड डांस। अब देखो, जब भी टाइगर श्रॉफ डांस करता है ना, उस टाइम पे मजा तो आता है। आई मीन लगता है कि हाँ, बंदा एक नंबर डांस कर रहा है, मतलब सबकी बस की नहीं है। एंड टाइगर श्रॉफ के जितने भी डांस है इस मूवी में सब ऑसम, टोटली ऑसम। मतलब टाइगर श्रॉफ की वजह से वो सब पार्ट इंटरटेनिंग हो जाता है। एंड इस मूवी में ज्यादा एक्शन सीन्स तो नहीं है, पर जितने भी है वो सब सही है, मतलब खराब नहीं लगते, अच्छे लगते हैं देखने में। और खुद ही सोचो कि मूवी में टाइगर श्रॉफ है और एक्शन ना अच्छा हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ भाई कि एक्शन एंड डांस के डिपार्टमेंट में टाइगर श्रॉफ का काम बहुत ही अच्छा था। अब और स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो वो आएगा इस मूवी का म्यूजिक। अब देखो, ये चीज सबको पता है कि करण जौहर की मूवीज के सॉन्ग्स अच्छे होते हैं। आई मीन करण जौहर की डिजास्टर फ्लॉप मूवीज को उठा के देखोगे फिर भी उसके सॉन्ग्स अच्छे ही रहेंगे। और इस मूवी में जितने भी सॉन्ग्स हैं सारे के सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं, एंटरटेनिंग है, मतलब तुम्हारा स्किप करने का मन नहीं करेगा, सॉन्ग्स इतने अच्छे तो हैं। और भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करूं तो भाई, मूवी के बीच में इन लोगों ने एक ट्विस्ट डालने की कोशिश करी है और वो डेफिनेटली काम भी करता है। I mean, उतना पार्ट बहुत इंटरटेनिंग लगता है और वो ट्विस्ट शॉकिंग भी था। मतलब जब मैंने इस मूवी को पहली बार देखा तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो इस सीन में इन लोगों ने जो ट्विस्ट डाला है ना वो अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है। अब मूवी में और कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो नहीं है, तो इसीलिए सीधा वीक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 वीक पॉइंट, तारा सुतारिया एंड अनन्या पांडे। अब देखो भाई, नो ऑफेंस यार, मुझे पर्सनली तारा सुतारिया और अनन्या पांडे की एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब ऑब्वियसली ये उन दोनों की पहली मूवी थी, तो इसीलिए सब लोग अपनी पहली मूवी में ही अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे देते। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इस मूवी की बात करें तो इस मूवी में मुझे उन दोनों का ही काम अच्छा नहीं लगा। अब देखो, हाँ मुझे पता है कि दे बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ और दोनों का ही काम मुझे तो ठीक नहीं लगा। एंड स्पेशली जो तारा सुतारिया का कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर से मुझे इतनी प्रॉब्लम्स है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब सबसे पहले तो ऐसा बताया जाता है कि उनका लाइफ में एक गोल है जिसको वो अचीव करना चाहती हैं, एंड उसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, टाइगर श्रॉफ को भी छोड़ सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, तारा सुतारिया अपने गोल को बोलती हैं, सीरियसली उनका जो भी गोल था उसको वो छोड़ देती हैं, तो उतना डायलॉग बाजी करने का मतलब क्या हुआ। और जब टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद ये लोग इस कंपटीशन को जीत भी जाते हैं, लेकिन जब टाइगर श्रॉफ इस ट्रॉफी को देने जाते हैं अनन्या पांडे के घर में, वहाँ पर मतलब वो इतना फ्रैंक होकर बात कर रहे हैं उनके बाप के सामने। वो क्या बोलते हैं खुद सुनो। सर बेटे का तो पता नहीं, आपकी बेटी तो कमाल की। सोचो अगर मैं ऐसे किसी के घर में घुस के उसको ऐसा बोलूं कि सर आपके बेटे का तो पता नहीं पर आपकी बेटी कमाल की है, तो उसका बाप मुझे यही बोलेगा, मैंने कुछ नहीं भाई। सीरियसली मतलब किसी के घर में घुस के इतना ज्यादा तो नहीं बोल सकते कि मतलब आपकी बेटी कमाल की है ऐसा कुछ करके। तो भाई इस सीन को इन लोगों ने ऐसा बनाया है कि ये सीन मोटिवेशनल टाइप का था, पर मुझे इस सीन में हंसी आने लगी। आई मीन तुम लोग ही सोचो ऐसा होता है क्या कहीं? नहीं। लेकिन फिर भी भाई ये मूवी है तो उसको एक मूवी की तरह जज करते हैं, ज्यादा रियल लाइफ से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और भाई ये चीज सबको पता है कि करण जौहर के कॉलेज में पढ़ाई के अलावा और सब कुछ होता है। I mean, एक ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई होती ही नहीं है, बाकी सब होता है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मूवी बना रहे हो तो उसको छोड़ के फिजिक्स का चैप्टर ही एक्सप्लेन करने लगो, लेकिन कहीं कहीं एज अ फनी वे दिखा सकते हो कि कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। लेकिन क्या ही बोल सकते हैं, करण जौहर की मूवी है, कुछ हो सकता है। एंड एक स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा मैं इस बंदे को, भाई इनका काम बहुत ही अच्छा था। I mean, इन्होंने अपना काम काफी अच्छी तरीके से किया है और इनको जो भी डायलॉग्स दिए गए थे, इनके लिए जो भी एक्शन सीन्स थे, उस सब को इन्होंने काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। तो भाई इनको मेरी तरफ से बिग थम्स अप, इनका काम बहुत ही अच्छा था। तो यार बस अब ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बोलने को, एंड मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूं तो अगर तुम लोग टाइगर श्रॉफ के फैन हो तो भाई तुम्हारे लिए तो ये मूवी काफी अच्छी है, एंड अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हाँ, अगर किसी और मूवी का रिव्यू देखना चाहते हो तो उस मूवी का नाम कमेंट कर देना। तो यार बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।